वगे पायल मा ताली ना ताल मा वगे घूघरी ओ गम 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 ढोली नोड़ा। आप जानते हैं हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में कहीं पर भी नवरात्रि त्योहार मनाने के बारे में नहीं बताया गया है। किसी भी धर्म के बारे में पूर्ण जानकारी के लिए सबसे पहले हमें उस धर्म के शास्त्रों से जानकारी लेनी चाहिए। वेदों में कहीं भी नवरात्रि पूजन का जिक्र नहीं है। स्वयं दुर्गा जी देवी भागवत पुराण स्कंद 7 अध्याय 36 पृष्ठ 563 में हिमालय को ज्ञान उपदेश देते समय कहती हैं, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, बाकी सब बातों को छोड़ दें, यही अमृत रूप परमात्मा तक पहुंचाने का पुल है। हम सभी देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं फिर भी दुखी रहते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। सोचने वाली बात है कि जिस धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, फिर भी आज के समय कोई सुखी जीवन नहीं जी पा रहा। इसी कारण सभी लोग भटक रहे हैं, आज इस देवता के पास तो कल उस देवी के पास, और फिर भी निराश। दुर्गा जी की पूजा करते करते भी कष्ट दूर नहीं होते, क्योंकि उनसे लाभ पाने का किसी के पास सही मंत्र व सही साधना नहीं है। पूर्ण लाभ तो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की भक्ति से ही मिल सकता है। अब ये मालिक की एक वाणी है कि दुर्गा जान पड़े जिस बगड़म ता संगति डूबे सब नगरम। जैसे किसी के घर पर ये दुर्गा का जागरण होना, तो पड़ोसी और भी जिसका थोड़ा सा ब्यो तो उन्हों का आग्रह, ए जी मारा भी कर दियो तड़के, मारा भी रख दो, हम भी एक जागरण करवाएंगे। क्यों देखा देखी हम करते ही हैं, भगवान का ज्ञान तो हमें है नहीं। अरुण के सुरीली आवाज और बड़े गाने बजाने और सब तरह के अट्रैक्शन होता है। अब वहाँ क्या था, एक बार एक इस दास को भी अवसर मिला एक जागरण की थोड़ी सी झलक देखने का। जब नाम ले लिया था, ज्ञान हो गया था, एक भक्त हमारा, तो थोड़े से भगत थे, उसके घर पर गया हुआ था शाम को। फिर वो थोड़ी देर पाछा उनके वो ढोलक से बाजन लग गए। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है, कि दुर्गा का जागरण होगा यहाँ पर। हम दोनों चल पड़े पैदल आ रहे थे, तो देखा उसके साथ में टेंट ला रखे घर के आंगन में, और वहाँ दुर्गा का वो जागरण शुरू हो रहा। अब एक स्पेशल बुला रखा वहाँ जागरण करने वाला जो गायक, और उसका अलग से एक रेजिडेंस टेंट में बना रखा गर्मियों के दिन थे, तो वहाँ शुरू कर रखे सारे बोलो जय माता दी, अगले बोलो जय माता दी, पिछले बोलो जय माता दी, मैं नहीं सुनिया जय माता दी। ए वो तो नेक बनो कह दे मैं नहीं सुनिया, सारे जोर तो बोलो जय माता दी। अब वो न्यू करता करता सारे बोलो जय माता, वो टेंट में खिसक गया। और वो मेरा साथी ने बोला आज दिखाऊंगा आपको इस, वो टेंट हटा लिया हमने बाहर से, थोड़े से नु देखने लगे। वो पहले तो उसको देख रहे थे वो गाने गाओ, तो फिर इधर गया तो फिर दूसरी वो कनात के सारे के देखे के करे। उसने वहाँ पौवा निकाला एक अद्धा बोतल उसका शराब का दराज में थे, और वह कैंपा खोली गिलास में दोनों डाले और गट दही करके ने बोला पी के, मैं नहीं सुनिया, इतने कड़े सुनेगा लाली बुटी, मैं नहीं सुनिया सारे बोलो तेरा के जो भाई। अब परमात्मा कहते हैं दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म ता संगति डूबे सब नगरम। दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगरम ता संगति डूबे सब नगरम। ओए होए, अब जैसे दुर्गा का जहाँ जागरण होता है, कहते उसकी संगत ते सारा बगड़ वो कॉलोनी वो मोहल्ला सारा का सारा डूबेगा। कैसे डूबेगा, क्योंकि उनके गाने बजाने का जो तरीका है वो मन की खुराक है। मन ने कहचा ये तबले तबले बांध रखे हों, अच्छे सुरीली गाने हों, ढोलक पोलक टनक टनक और फिल्मी गाने हों, तो उसकी जो तड़क भड़क ने देख कर, उसकी व्यवस्था ने देख कर, वहाँ के जो गाने बजाने और आकर्षण ने देख कर आम व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। और एक स्वभाव है प्राणी का कि जैसे हम जब तक तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, तो कोई जैसे मंगलवार का व्रत रख रहा कोई, और कोई उसको कह दे भाई शुक्रवार का और रखना चाहिए,
बहुत लाभदायक है, वो शुक्रवार का भी शुरू कर दे। और उसका उसने पता नहीं से लाभ क्या होगा। एक बार एक बहन आई यहाँ पर, वो अपनी उसकी बहन जो नाम ले रखी थी वो लेके आई इसको, वो दूसरी जगह भी वहाँ कर रखा था उसका दूसरी जगह, वह लेता आई उसने। दोनों बोली जी मैं शुक्रवार के व्रत रखती हूँ। वो लाई किस लिए थी उसकी बहन, कि उसका पति शराब पिया करता, शराब पी कर उसने घना दुखी रखा करता, पीटा करता, घर से बाहर निकाल देता, शराब के नजरे भराब कुंडी ला के भीतर सो जाता, वह घड़ी में खड़ी रहती सारी रात सर्दियों में, इतना दुखी कर रहा। और वो लाई थी नो कि तू नाम ले ले, भगवान तेरी सुन लेगा, वो शायद शराब भी छोड़ देगा। तो उससे वो कहने, मैंने उनको बताया जैसे बताते थे भाई ये व्रत नहीं करना, ये नहीं करना, वो कहने लगे जी मैं शुक्रवार का व्रत रखती हूँ और वो तो मैं पूरे करूंगी, 16 करने होते हैं। और उसकी कहानी उसने पहले बता दी, उसकी बहन ने किसका पति दारू पी और रोज पीटे घर ना शाम ना कह। मैंने उससे कहा बेटी एक बात बता, करवा चौथ के व्रत इसकी कथा क्या है, कैसे क्यों रखते हैं, पता था है मुझे तो वह क्या बता है। बोले जी एक बहन का पति विदेश चला गया था किसी अपने रोजगार के लिए, फिर उसके घर याद ना रहा, घने दिन आया को नहीं, फिर उसने वह माता ने दर्शन दिए, इसने संतोषी माता ने, अरवा ने बोली तू मेरे 16 शुक्रवार के व्रत रख ले तेरा पति आ जाएगा। उसने शुक्रवार के व्रत रखने शुरू किए, 16वें शुक्रवार का जो व्रत था उस दिन उसका पति घर आ गया, उसने खुशी मनाई। मैं बोला नादान बेटी तू, उसका पति तो जा रहा था क्या बढ़िया होगी, तेरा रोज आवर घर तेरा दे ही तोड़े और तो फिर भी व्रत रखे, अकल की जारी तेरी, तू तो इन्हों शुक्र मनाए, 2 दिन ना हो तो बढ़िया है, हिसाब व्रत ढूंढे तो इन्हों 2 दिन ना आवे तो हमने नो भी रानी वो व्रत क्यों रखे हैं, या उस दिखा रहे हैं इसका रिएक्शन है या एक्शन है। अब परमात्मा ने धर्मदास जी को सृष्टि रचना सुनाई, क्या बताया, धर्मदास ये जग बोरा ना कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा जग से कही ये एक राम नियारा। परमात्मा कहते हैं धर्मदास इस मोक्ष मार्ग से कोई भी परिचित नहीं है, इसलिए तेरे को मैंने ये सृष्टि रचना सुनाई है, सुन जानते हैं। धर्मदास ये जग बोरा ना कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा जग से कहिए वो राम नियारा। इन सब से अलग एक राम है, एक राम एकम, यही ज्ञान जग जीव सुनावो सब जीवों का भ्रम नसावो, भ्रम गए जग वेद पुराणा आदि राम का भेद न जाण्या। कहते सभी वेद पुराण मुड़ जे बैठे हैं उस पूर्ण परमात्मा से परिचित नहीं है, उस मालिक के भेद से परिचित नहीं है। देवी जी कहने लगी पर्वतराज, अब ये तो पहले तो यहां तक तो अपने विषय बता रही, फिर कहती है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी हैं, वही यह अक्सर ब्रह्म है। अब देखो यहां से कहने लगी थी या ब्रह्म के बारे में बताऊंगी, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, और ये क्या करिए अक्सर ब्रह्म है और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, वही परम सत्य है और अमृत अविनाशी तत्व है। सो में उस
वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो और मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो। भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। अब क्या बताते हैं, महिमा तो गा रही है अक्षर ब्रह्म की और नाम बता रही है ब्रह्म का। परवण ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब सब उवा बाई बांध रहे हैं, यहां अक्षर ब्रह्म कह रही है, यहां केवल ब्रह्म का ओम नाम है। बस आगे देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी बातों को छोड़ दे, यानी मेरी पूजा भी छोड़ दो, दुर्गा कह रही है, और केवल उसी परमात्मा को जानो जिसका ओम नाम है। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यह सुलभ साधन है। जिस प्रकार इस आत्मा का ब्रह्म के जप के साथ ध्यान करो, ओम के, यानी उस आत्मा ब्रह्म का, ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं, इस आत्मा का यानी ब्रह्म का ओम के जप के साथ ध्यान करो। अब जिस भी ये गुण तो गा रही है अक्षर ब्रह्म के और मंत्र बता रही है ओम ब्रह्म का, यह स्पष्ट कर रही है कि इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, यानी ओम नाम के जाप से ये कह रही है कि उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे।